हिमालय कोई साधारण भूमि नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक जीवन तपोभूमि है। हिमालय के दुर्गम कंदराओं तक पहुंचने और वहां विराजित सूक्ष्म शरीरधारी महायोगियों के दर्शन की कामना प्रायः हर साधक के मन में होती है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह कामना मूर्त रूप नहीं ले पाती। किंतु कुछ सौभाग्यशाली साधक ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु कृपा द्वारा हिमालय के महानतम ऋषियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना है जिसे हम जानते हैं। नंदनवन में पहला दिन वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने उसी में परम सत्ता की झांकी देखने में निकल गया। पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढला और रात्रि आ गई। परोक्ष रूप से निर्देश मिला समीपस्थ एक निर्धारित गुफा में जाकर सोने की व्यवस्था करने का। लग रहा था कि प्रयोजन सोने का नहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का है ताकि स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप ना हो सके। संभावना थी कि पुनः रात्रि को गुरुदेव के दर्शन होंगे और ऐसा हुआ भी। उस रात्रि को गुफा में गुरुदेव सहसा ही आ पहुंचे। पूर्णिमा थी, चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश समूचे हिमालय पर फैल रहा था। उस दिन ऐसा लगा कि हिमालय जैसे सोने का हो। दूर दूर बर्फ के टुकड़े और बिंदु बरस रहे थे। वो ऐसा अनुभव कराते थे मानो सोना बरस रहा हो। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। अन्यथा रात्रि के समय इस विकट ठंड और हवा के झोंकों में साधारणतया निकलना संभव नहीं होता। दुस्साहस करने पर इस वातावरण में शरीर जकड़ या ऐंठ सकता था। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही ये अहेतु की कृपा हुई है, ये मैंने पहले ही समझ लिया था। इसलिए इस काल में जाने का कारण पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे। आज मैंने ये जाना कि सिद्धि में ऊपर हवा में उड़ने की अंतरिक्ष में चलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उन बर्फीले उबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना उससे कहीं अधिक कठिन है जितना कि पानी की सतह पर चलना। आज उन सिद्धियों की अच्छी परिस्थितियों में आवश्यकता भले ही ना पड़े, पर उन दिनों हिमालय जैसे विकट क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई को समझने वालों के लिए आवश्यकता निश्चय ही पड़ती होगी। मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थलियों का दिग्दर्शन करना था। स्थूल शरीर उन सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीरों से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया जाना था। मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में सबसे अधिक महत्व की बेला थी। उत्तराखंड क्षेत्र की कुछ गुफाएं तो जब तक आते समय यात्रा के दौरान मैंने देखी थी, पर देखी सिर्फ वही थी जो यातायात की दृष्टि से सुलभ थी। आज जाना कि जितना मैंने देखा है उससे अनदेखा कहीं अधिक है। उनमें जो छोटी थी वो तो वन्य पशुओं के काम आती थी, पर जो गुफाएं बड़ी थी, साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, वो ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के निमित्त थी। पूर्व अभ्यास के कारण वे अभी भी उनमें यदाकदा निवास करते हैं। वे सभी उस दिन ध्यान मुद्रा में थे। गुरुदेव ने बताया कि वे प्रायः सदा ही इसी स्थिति में रहते हैं, अकारण वो ध्यान नहीं तोड़ते। मुझे एक एक का नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया गया। यही है संपदा, विशिष्टता और विभूति संपदा इस क्षेत्र की। गुरुदेव के साथ मेरे आगमन के बाद उन सभी को पूर्व से ही विदित थी। सो हम दोनों जहां भी जिस जिस समय पहुंचे उनके नेत्र स्वतः ही खुल गए। चेहरों पर हल्की मुस्कान झलकी और सिर उतना ही झुका मानो वे अभिवादन का प्रत्युत्तर दे रहे हों। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर को कुछ कहना होता है तो वे बैखरी मध्यमा से नहीं, परा और पश्यंती वाणी से, कर्ण छिद्रों के माध्यम से नहीं, अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में कहते हैं। पर आज दर्शन मात्र प्रयोजन था, कुछ कहना सुनना नहीं था। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया था। सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझें, तब वैसी उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ना ही उद्देश्य था। संभवतः ये उन्हें पहले ही बताया जा चुका होगा कि उनके अधूरे कामों को समय की अनुकूलता के अनुसार पूरा करने के लिए ये स्थूल शरीरधारी बालक अपने ढंग से क्या क्या कुछ करने वाला है और अगले दिनों में इसकी भूमिका क्या होगी। सूक्ष्म शरीर से अंतः प्रेरणाएं उमगाने
और शक्ति धारा प्रदान करने का काम हो सकता है, पर जनसाधारण को प्रत्यक्ष परामर्श देना और घटनाक्रमों को घटित करना स्थूल शरीरों का ही काम है। इसलिए दिव्य शक्तियाँ किन्हीं स्थूल शरीरधारियों को ही अपने प्रयोजन के लिए वाहन बनाती हैं। अभी तक मैं एक ही मार्गदर्शक का वाहन था, पर अब वे हिमालयवासी अन्य दिव्य आत्माएं भी अपने वाहन के लिए काम ले सकती थी और तदनुसार प्रेरणा, योजना और क्षमता प्रदान करती रह सकती थी। गुरुदेव इसी भाववाणी में मेरा परिचय उन सबसे करा रहे थे। वे सभी बिना लोकाचार शिष्टाचार निभाए, बिना समयक्षेप किए एक संकेत में उस अनुरोध की स्वीकृति दे रहे थे। आज रात्रि की दिव्य यात्रा इसी रूप में चलती रही। प्रभात होने से पूर्व ही मेरी स्थूल काया को निर्धारित गुफा में छोड़कर अपने स्थान को वापस चले गए। आज ऋषि लोक का पहली बार दर्शन हुआ। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों, देवालय, सरोवरों, सरिताओं का दर्शन तो यात्रा काल में पहले भी होता रहा। उस प्रदेश को ऋषि निवास का देवात्मा भी मानते रहे हैं, पर इससे पहले ये विदित ना था कि किस ऋषि का किस भूमि से लगाव है। ये आज पहली बार देखा और अंतिम बार भी। वापस छोड़ते समय मार्गदर्शक ने कह दिया कि इनके साथ अपनी ओर से संपर्क साधने का प्रयत्न मत करना, उनके कार्य में बेवजह बाधा मत डालना। यदि किसी को कुछ निर्देशन करना होगा तो वे स्वयं ही करेंगे। हमारे साथ भी तो तुम्हारा यही अनुबंध है कि अपनी ओर से तुम द्वार नहीं खटखटाओगे, जब हमें जिस प्रयोजन के लिए जरूरत पड़ा करेगी स्वयं ही पहुंचा करेंगे और उसी पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटा दिया करेंगे। यही बात आगे से तुम उन ऋषियों के संबंध में भी समझ सकते हो जिनके दर्शन प्रयोजनवश तुम्हें आज करा दिए गए हैं। इस दर्शन को कौतूहल भर मत समझना, वरन समझना कि हमारा अकेला ही निर्देश अब तुम्हारे लिए सीमित नहीं रहा। ये महाभाग भी उसी प्रकार अपने सभी प्रयोजन पूरे कराते रहेंगे जो स्थूल शरीर के अभाव में वो स्वयं नहीं कर सकते। जनसंपर्क प्रायः तुम्हारे जैसे सत्पात्रों वाहनों के माध्यम से कराने की ही परंपरा रही है। आगे से तुम उनके निर्देशनों को भी हमारे आदेश की तरह ही शिरोधार्य करना और जो कहा जाए उसे करने के लिए जुट जाना। मैं स्वीकृति सूचक संकेत के अतिरिक्त और कहता भी क्या। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद मैं कुछ दिनों तक उस गुफा में रुका। वहां रहकर मैंने कुछ दिव्य अनुभव प्राप्त किए। इसके बाद मैं अपने स्थान पर लौट आया। उपरोक्त घटना का स्रोत अगर आप जानना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हिमालय के योगियों और ऋषियों से जुड़ी वीडियोस की एक लंबी श्रृंखला हमने पहले बनाई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में दे रही हूँ। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।